दोस्तों वेलकम टू द इन्वेंटर्स ब्लॉग। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं इन्वेंटर जैसे आपको बताऊंगा साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और सोशल फिलोसफी से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बातें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है और क्यों कुछ लोगों में इसकी बहुत ही ज्यादा कमी होती है। दोस्तों जब मैंने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की तो मेरे सामने आया एक खून खुला देने वाला सच और एक घिनौना एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैं आपको इस घिनौने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसे द मॉन्स्टर स्टडी भी कहा जाता है। द मॉन्स्टर स्टडी एक स्टटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसे 1939 में 22 अनाथ बच्चों पर परफॉर्म किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंडेल जॉनसन ने परफॉर्म किया था। दोस्तों ये जो 22 अनाथ बच्चे थे, इन 22 बच्चों में से 10 बच्चे ठीक ठाक बोल लेते थे, उन्हें ऐसे कंट्रोल रखा गया। और जो 12 बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो ताने की आदत थी उनमें, उन्हें 6-6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। 6-6 के दो ग्रुप बनाए उन्होंने और उसमें डिवाइड कर दिया उन बच्चों को। अब उन बच्चों को ये नहीं बताया गया था कि उन्हें किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन्हें बस ये कहा गया था कि आपको आपकी तुतलाने की आदत सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी दी जाएगी। इन दो ग्रुप में से एक ग्रुप को स्पीच थेरेपी के साथ साथ मोटिवेशन भी दिया जाता था, उन्हें मोटिवेट किया जाता था कि तुम लोग ठीक कर रहे हो, तुम्हारी तुतलाने की आदत एक दिन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी स्पीच में सुधार हो रहा है। उनको खूब इनकरेज किया जाता था बोलने के लिए, जबकि दूसरे ग्रुप को डीमोटिवेट किया जाता था, जैसे कि तुम लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग इतनी छोटी सी टास्क को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, जब तक तुम्हारी तोतलाने की आदत खत्म नहीं हो जाती तुम लोग बोलना शुरू मत करना। इस टाइप से उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको डीमोटिवेट किया जाता था। तो ये डिफरेंस था दोनों ग्रुप को दी जाने वाली स्पीच थेरेपी में, एक को मोटिवेट किया जाता था, दूसरे ग्रुप को डीमोटिवेट किया जाता था। दोस्तों 6 महीने के इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही बंद करना पड़ गया, क्योंकि जिन बच्चों को डीमोटिवेट किया जा रहा था उनकी तोतलाने की आदत इस कदर तक बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने बोलना तक बंद कर दिया था, और कई तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, अगर वो बोलना चाहें भी तो भी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। दोस्तों कई सालों के बाद ये भी देखा गया कि जिस ग्रुप के बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा था उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, उनकी तुतलाने की आदत लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी और वो लोग कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे थे, जबकि जिस ग्रुप के बच्चों को डीमोटिवेट किया गया था उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज्यादा कमी थी, उनकी तुतलाने की आदत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी, और वो तो कई लोग तो बात भी नहीं कर रहे थे, कई लोग मानसिक रोगों के शिकार थे जैसे कि एंग्जायटी, डिप्रेशन और भी कई दूसरे रोगों के शिकार हो गए थे वो लोग। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की पूरी यूएसए में बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई थी, साथ ही साथ डॉक्टर वेंडेल जॉनसन की भी, और सरकार को उन 6 बच्चों को $9,25,000 का मुआवजा देना पड़ा था ताकि उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारने में थोड़ी मदद मिल सके। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये साबित हो गया कि डीमोटिवेशन और क्रिटिसिज्म की वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और उनका परफॉर्मेंस दोनों ही गिर जाता है। और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है जबकि कुछ लोगों का बहुत ही कम होता है। जी हाँ, क्रिटिसिज्म और डीमोटिवेशन की वजह से ये सब होता है। जो बच्चे बचपन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर ठीक से बात नहीं करते या फिर पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज नहीं होते, उनको पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी और रिलेटिव पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको जोजुआ कहा जाता है, उनको बेवकूफ कहा जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, और लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाएगा। वो लोग सच मान लेंगे इस बात को कि हाँ उनमें कुछ कमी है जिसकी वजह से वो लोग ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, ऐसा वो सोच लेते हैं। दोस्तों कोई भी बच्चा तब गधा नहीं होता जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है, बच्चा तब गधा होता है जब वो मानने लगता है कि हाँ भाई मैं कहीं ना कहीं कमजोर हूँ, कमतर हूँ। उसे लंबे समय तक आप क्रिटिसाइज करोगे, डीमोटिवेट करोगे तो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, तब वो सही में गधा बन जाएगा। तो उसे कभी भी शुरुआत में गधा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर स्कूल्स का ये रवैया होता है स्टूडेंट के प्रति, अगर वो कमजोर है पढ़ाई में तो उसे डीमोटिवेशन ही मिलेगा सुनने को, और ये बहुत ही दक्षिण सी विचार है जिसे छोड़ने की जरूरत है। अगर ज्यादातर बच्चों को डीमोटिवेट किया गया तो हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन होगी, एक ऐसी रेस होगी जिसमें लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होंगे, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, इस आदत को सुधारना चाहिए। हमारे देश के टीचर्स को, हमारे देश के पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे मोटिवेटेड रहें और कुछ कर दिखाने के लिए उनमें भावना हो, ये नहीं कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो बेवकूफ गधे हैं ये सोच करके बैठ जाएं, ऐसा अच्छी बात नहीं होती है। हमारी सोसाइटी को ये डीमोटिवेट करने की गंदी आदत छोड़नी चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेस, डीमोटिवेशन इज द की ऑफ फेलियर। अगर आप ही अपने बच्चों को या फिर टीचर अपने बच्चों को डीमोटिवेट करेगा
तो उसके पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, बच्चा आगे चल के भी औसत जिंदगी ही बिताएगा। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करिए, टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को डिमोटिवेट मत करिए, उसे मोटिवेशन दीजिए। और रही बात सोसाइटी की या फिर कई रिलेटिव्स की, तो मैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो लोग चाहते नहीं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें। तो पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि कोई भी रिलेटिव या फिर सोसाइटी वाले अननेसेसरी आपके बच्चों को डिमोटिवेट ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।